सरोर रे मारे अब गाना चला तेरा जोर रे सिस्टम पैल का चला छोर टोर में। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ फ्लूक पड़ गए होंगे। तो गाइस क्या आपके पास भी सैमसंग का S22 मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास सैमसंग का S22 मोबाइल है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस पे बेस्ट कौन कौन से नए फीचर हैं, या हो सकता है आपने इस फोन को इसी सेल में लिया हो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में, और आप चाहते हैं कि हमारे डिवाइस के जो बेस्ट फीचर हैं जो कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि नई वीडियो बनाओ नए फीचर बताओ, तो गाइस यहाँ पर आपको जो फीचर है 52 प्लस न्यू फीचर आपको बताने वाला हूँ जो कि आप अपने डिवाइस में यहाँ पर यूज कर पाओगे, और वही फीचर बताने वाला हूँ जो आपके काम में आने वाले हैं, और वही फीचर बताऊंगा जो और कुछ ऐसे फीचर होंगे जो आपको ओल्ड वीडियो हैं उनमें नहीं मिले होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इंटरेस्टिंग और यूट्यूब की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है उसे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फीचर है कि ब्राइटनेस एक बार में कैसे, यानी कि जैसे ही आप मोबाइल को कंट्रोल सेंटर को नीचे करते हो मेरी ब्राइटनेस का ऑप्शन है वो आ रहा है, बट आपके में हो सकता है जब आप सेकंड टाइम नीचे करते हो तब दिखाई देता हो। इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है सो ऑलवेज की जगह यहाँ पर ये होगा आपके में सबसे पहली बार डन करना है। देख सकते हो जैसे कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे आपके सामने ऐसा आता होगा, ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं आता है। उसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, क्विक पैनल पर जाना है और यहाँ पर आपको सो ऑलवेज कर देना है, ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस का ऑप्शन है ऊपर ही आ जाएगा। सेकंड फीचर की बात करें गैलरी के अंदर, सिंपली आपको गैलरी में जाना है, जो भी फोटो वीडियो हैं आपके यहाँ से आपको स्टोरेज एल्बम और जो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं एल्बम में, ठीक है। यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना है, मान लीजिए कोई आपकी फ़ोटो या वीडियो है, जैसे कि यहाँ पर वीडियो पर जाना है आपको, मान लीजिए कोई वीडियो है 6 सेकंड की ये वाली, ठीक है, इसे आपको डिलीट करना है, ठीक है। जैसे मैं डिलीट करूँगा आप सोचते हो ये डिलीट हो गई, बट ये डिलीट नहीं होती है। और किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारी चीज़ कोई धोखे से डिलीट हो गई कैसे निकालें, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको बैक आना है और आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पर जाना है। जो चीज़ आपने डिलीट की होंगी धोखे से कट गई हो या नहीं कटी है धोखे से आपने काटी है तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप डिलीट कर दोगे तो आपकी स्टोरेज वो खाली हो जाएगी ऑटोमेटिक, और यहाँ से आप चाहें तो रिकवर भी कर सकते हो रिस्टोर करके। जैसे आप रिस्टोर करोगे यहाँ से हट जाएगी और आपकी गैलरी में दोबारा से पहुँच जाएगी, देख सकते हो आपकी गैलरी में दोबारा से आ जाती है। तो ये है एक बेस्ट फीचर। अब जैसे आप नेक्स्ट फीचर की बात करें, जैसे कि अपने स्क्रीन पर डबल स्क्रीन का कैसे यूज करें, जो कि उसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि मान लीजिए आप कोई दो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं गैलरी वगैरह, अब आपको अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करना है, आपको रिसेंट पर क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन पर क्लिक करके रख देना है, ऑटोमेटिक स्प्लिट हो गई, देख सकते हो आपका जो गैलरी है वो चल रहा है। यहाँ से आप यूट्यूब को ओपन कर सकते हो, एक मोबाइल पर डबल स्क्रीन चला सकते हो, काफ़ी अच्छा फीचर है। सिंपली आपको जाना बैक, अब बस यहाँ पर एक और चीज़ आपको फीचर मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो का, ऐसे करके स्प्लिट स्क्रीन है वैसे ही आपका फ्लोटिंग विंडो है उसे भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका ये फीचर है, इस पर आपको क्लिक करना है किसी एक पर और इसे आपको बीचों बीच में लेके आना है, ये हो गया आपका फ्लोटिंग विंडो जो कि छोटी सी विंडो में ओपन हो जाता है, इसे आप कस्टमाइज भी कर पाओगे, जैसे छोटा करोगे छोटा हो जाएगा, बड़ा करना है यहाँ से बड़ा कर सकते हो, जितना करना है उतना कर सकते हो, और इसे आप कहीं पर भी ले जाकर रख सकते हो कहीं पर भी कोने में, ये होता है फ्लोटिंग विंडो। इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे और छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये हो गया आपका छोटा, ठीक है, इसे आपको कोने वगैरह में रखना है और अपनी स्क्रीन को यूज कर सकते हो कोई भी चीज़। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसे आप बिल्कुल भी छोटा कर सकते हो, ये एप्लीकेशन में तब्दील हो जाता है, देख सकते हो आपका सेटिंग का लोगो ऑलरेडी है, ये भी एप्लीकेशन में तब्दील हो जाता है। जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करो, और कोई चीज़ आपकी वहीं से खोलनी है तो ऑटोमेटिक आपको इस पर क्लिक करना है और वहीं से ओपन हो जाएगी, ये होता है फ्लोटिंग विंडो, अभी आपको रिमूव कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें वॉलपेपर कलर चेंज का, इस पर आपको क्लिक करना है, सबसे पहली बात पिंच करना है, वॉलपेपर स्टाइल पर क्लिक करना है, वॉलपेपर कलर चेंज पर जाना है। मान लीजिए आपने वॉलपेपर यूज किए आपका मन भर गया, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर मिलते हैं, जो भी आप वॉलपेपर लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, या आपको कलर चूज करना है यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, या नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कर सकते हो, या ये कलर हमारा ऑलरेडी लगा है आपको जाना है इस कलर पर, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इस कलर को नेक्स्ट करोगे अब आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, आपको क्या करना है कलर पर चूज करना है और यहाँ पर आपको स्टाइल पर जाना है, ठीक है, आपका सीधा नीला कलर दिखाई दे रहा है बट आप इसे आप कस्टमाइज कर पाओगे, देख सकते हो आपके सामने प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, जैसे अभी आपको वॉलपेपर बनाना है यहाँ से आप बना सकते हो और जितना चाहिए उतना आप बना सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आए यहाँ पर आपको डन करना है और ये आपकी होम स्क्रीन पे लग चुका है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये आपका वॉलपेपर है वो आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छा वॉलपेपर आपने यूनिक वॉलपेपर बनाया है। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें विजेट की, विजेट कैसे लगाना, जैसे कि देख सकते हो गूगल का है, एसी सर्च बार का है, ठीक है,
आपको कैसे लगाना, पिंच करना, विजिट पर क्लिक करना, जो भी आपको चाहिए, आपको बर्थडे वगैरह सेट करना है यहाँ से, और यहाँ से आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा फीचर है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। एंड आपको बड़ा छोटा करना है यहाँ से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बड़ा जैसा भी करना है यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा विजिट लगाना है, यहाँ से आपको जाना है, विजिट पर क्लिक करना है, और जैसा भी विजिट आपको चाहिए, यूट्यूब का सर्च बार का ये भी आप लगा सकते हो, यहाँ से आप लगा पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे करके आप विजिट लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एक यूट्यूब मेरा है ऐसे। आप यहाँ पर गूगल को चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो गूगल को भी, यहाँ से आपको जितना छोटा चाहिए, एप्लीकेशन के थ्रू चाहिए तो यहाँ एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, देख सकते हो, ऐसे करके उठा के यहाँ रख सकते हो। और जो आपका गूगल था उससे आप यहाँ पर नीचे कर सकते हो, कोई सामने वाला बंदा आपकी मल्टी स्क्रीन को देखेगा, वो यही सोचेगा कि मेरे में गूगल दिख रहा है, इसके में यूट्यूब कैसे आ रहा है। तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी तरफ से आसानी से, और कस्टमाइज करने के बाद इसे आप छोटा बड़ा द्वारा से कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको देखने मिल जाता है जो कि विजिट के अंदर। एंड गाइस यहाँ पर अब आपको जाना है सेटिंग में, आपको जाना है होम स्क्रीन पे। जैसे आप होम स्क्रीन पे आओगे, होम स्क्रीन का लेआउट चेंज करना है, यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो। अभी मेरा क्लासिक है, मुझे क्लासिक पसंद है ऐसे वाला, आपको हो सकता है ड्रोवर पसंद हो तो आप यहाँ पर ड्रोवर भी लगा सकते हो। आपको जाना है द्वारा से होम स्क्रीन पे, लेआउट पर क्लिक करना है, ये लग गया आपका ड्रोवर। अब आपका स्क्रीन है वो ड्रोवर में ओपन होगी, तो आप यहाँ से ये भी लगा सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ अभी क्लासिक। अब वैसे यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, सिंपली आपको जाना है यहाँ पर, जैसे कि आपके डिवाइस में ऑडियो वगैरह कम आ रहा है, हो सकता है साउंड वगैरह, तो आपका जो ऑडियो है यानी कि वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपकी ऑडियो वगैरह कम आ रहा है, साउंड वगैरह कम आ रहा है सॉन्ग वगैरह सुनते टाइम, तो वो लाउड हो जाएगा ऑडियो को यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस को ऑन करते ही। एंड वैसे हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपको जाना है सेटिंग में, एंड आपको जाना है इसमें साउंड एंड वाइब्रेशन में, और यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा जिसका नाम है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है, एडेप्ट साउंड पर क्लिक करना है। हो सकता है ये फ़ोन आपने किसी को गिफ्ट वगैरह किया हो, आपके फादर मम्मी वगैरह, और उनकी उम्र ज़्यादा कम सुनाई पड़ता है बाई चांस, तो यहाँ पर आप उम्र चूज़ कर सकते हो, जो भी उम्र है उनकी, उससे क्या होगा उसी हिसाब से ये ऑडियो को प्रोवाइड कराएगा। जैसे कॉलिंग वगैरह पर कम सुनाई देता है, तो उसी प्रकार से ये उम्र चूज़ करने के बाद ऑडियो निकालेगा ताकि उनको अच्छे से सुनाई दे सके। तो ये फीचर आपको एक यूनिक देखने के लिए मिल जाता है, सिंपली आपको जाना है पैक। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल की, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है नोटिफिकेशन में, एंड नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल पर क्लिक करना है। सबसे पहली बात आओगे, सबसे पहली बात तो आपको डिटेल पर होगा, इसे आपको ब्रीफ करना है। ब्रीफ करने के बाद आपको करना है, आपको जाना है यहाँ पर एज लाइटिंग स्टाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट टाइम आओगे नन होगा, इसे आपको RGB लाइट की तरह यूज करना है, तो आप RGB लाइट की तरह यूज कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसे करके आपको दिखाई देगा, और आपकी RGB लाइट आपको कम दिखाई दे रही है तो हो सकता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कम दिखाई देती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एडवांस सेटिंग में, और इससे आप यहाँ पर चौड़ा भी कर सकते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कैंसिल करना है, बैक आना है। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट की, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके डिवाइस में हाई रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना। एंड नेक्स्ट फीचर है वो है गेस्चर का, आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर नेविगेशन बार, और गाइस यहाँ पर देख सकते हो बटन्स। एंड आपको पता है कोई ज़्यादा फ्लैगशिप फोन यानी मेगा फोन होता है तो ज़्यादातर लोग आप गेस्चर यूज करते हैं, मतलब वो सस्ता मोबाइल हो या मेगा हो, गेस्चर का ज़्यादातर यूज करते हैं, तो आप गेस्चर का यूज कर सकते हैं। गेस्चर में काफ़ी अच्छा मोबाइल चलता है, ठीक है। एंड देखो चाहता हूँ गेस्चर से क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके डिवाइस में देखो कितने एप्लीकेशन हैं, ये इतने एप्लीकेशन हुए हैं 3, ठीक है। आप इस पर एप्लीकेशन पर क्लिक करो, अगर आपको स्विच करना है पीछे वाले एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर गेस्चर का यूज करके आप स्विच कर सकते हो ऐसे करके, जो कि कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर गेस्चर में मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं गेस्चर से। सिंपली आपको जाना है बैक, जैसे कि यहाँ पर बैक आ गई। नेक्स्ट फीचर की बात करें, क्लॉक स्टाइल की, सेटिंग पर क्लिक करना है आपको, एंड आपको जाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। जैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाओगे, क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्लॉक की स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इमेज लगाना है वो भी आप लगा सकते हो, इमेज देख सकते हो, आपका जो इमेज है वो छोटा सा इस प्रकार से दिखाई देगा, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। एंड आपको द्वारा से क्लिक करना है इस पर क्लॉक स्टाइल पे। दूसरी बात, स्टॉक पे आना आपको, एंड यहाँ से आप जो भी चूज़ करना चाहें, विजिट चूज़ कर सकते हैं, मोर पर क्लिक कर सकते हैं, कैलेंडर वगैरह लगाना चाहें, होम स्क्रीन
आपके लॉक स्क्रीन में वो भी लगा सकते हैं, आपको डन करना है ओनली और लग जाएगी। तो ये फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं, काफी बेटर फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपको जाना सिंपली सेटिंग में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी सर्च फ्रॉम होम। ये आप फर्स्ट टाइम आ गई, ये ऑन होगी और इससे क्या क्या नुकसान है, जैसे कि आपको इसे गेस्चर को यूज करते हो ना, जैसे यहाँ पर स्वाइप करोगे ये ऐड से आ जाता है बार बार, यहाँ पर ये नीचे करोगे तब भी आ जाता है पॉपअप, ठीक है। इसे आपको ऑफ करना है ऐड को, तो यहाँ पर सर्च फ्रॉम होम है, इसे आपको ऑफ कर देना जाके, क्योंकि मैं भी परेशान हुआ था तो ये मैंने फीचर ढूंढा था। अब आप कहीं पर भी स्वाइप अप करो ये ऑन नहीं होगा, आपका डायरेक्टली गेस्चर ही काम करेगा, ठीक है। तो ये एक नया फीचर आपको देखने मिल जाता है, ये भले ही छोटे छोटे फीचर हैं बट आपके काम में आने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बैक आना है, सिंपली दोबारा से सेटिंग में जाना है, आपको जाना है लॉक स्क्रीन पे। जैसे आप लॉक स्क्रीन पे जाओगे आपको यहाँ पर होम स्क्रीन जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो गाइस यहाँ पर ये मैं सारे फीचर आपको बता चुका हूँ, तो आप सिंपली आपको जाना है बैक, सर्च फ्रॉम होम ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसे भी आपको ऑफ करना है। नेक्स्ट फीचर की बात करें फ्लैश नोटिफिकेशन, एंड गाइस यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फ्लैश नोटिफिकेशन सैमसंग के डिवाइस में एक अच्छा फीचर मिल जाता है आपको, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है एसबिलिटी में, ठीक है, एसबिलिटी पर क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। आपके में ये दोनों ऑफ होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपको इसे ऑफ ऑन करना है, इससे क्या होगा जब भी कोई आपके पास कॉल करेगा या मैसेज करेगा आपकी जो बैकलाइट है यानी कि मोबाइल की वो यहाँ पर मिलकेगी। दूसरी बात स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन से आपको क्लिक करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी स्क्रीन है नीली येलो हो रही है, ऐसे करके जैसे आप ऑल ऐप सेलेक्ट कर दोगे या कोई पर्टिकुलर ऐप टेलीग्राम वगैरह जैसे सेलेक्ट कर दोगे, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आपकी स्क्रीन है वो भी यहाँ पर रेड सॉरी येलो और वाइट होगी, दो कलर की होगी ऑटोमेटिक जैसे मैसेज आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है बट ऐसे आपकी बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आप यूज कर सकते हो दोनों को, सिंपली आपको आ जाना बैक। एंड गाइस यहाँ पर एक और फीचर बताना चाहूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, सिंपली इससे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप चूज करना मीडिया एंड माइक। इससे क्या होगा जो भी चीज़ आप स्क्रीन में बताना चाहोगे वो भी रिकॉर्ड होगी, दूसरी बात आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी माइक के थ्रू, इस पर चूज करके और आपका गेस्चर ऑफ होगा, इसे भी ऑन कर देना है, यानी कि जो भी चीज़ आप बताना चाहेंगे हाथ रख के वो गेस्चर आपका काम करेगा। तो यहाँ से आप यूज करना है, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी भी फीचर बताने वाला हूँ आपको, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसकी रिकॉर्डिंग में आपकी स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग होने लगी, देख सकते हो आप टाइम दिखा रहा है 2 सेकंड 3 सेकंड। अब इसकी रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको अपनी फेस भी दिखाना है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो बॉय का सिंबल लगा है, इस पर आपको क्लिक करना है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, देख सकते हो, इससे आप इधर उससे उधर भी यहाँ पर रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है सैमसंग के S22 मोबाइल में, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो जो भी आपको करना है, और इसे रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर सकते हो, आपकी रिकॉर्डिंग है वो गैलरी में जाके सेव हो जाती है, देख सकते हो 22 सेकंड की, ठीक है। ये आपको फीचर मिल जाते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा ऑटो कॉल रिकॉर्ड का फीचर मिल जाता है, हो सकता है आपने कॉल रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये मोबाइल लिया हो, जो कि आपको पता है जो एंड्रॉइड मोबाइल आ रहे हैं उनमें गूगल डायलर आते हैं, सबसे पहली बात ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, ऑटो कॉल रिकॉर्ड होती है तो दूसरी बात अनाउंसमेंट है वो सामने वाले बंदे को मालूम पड़ जाता है कि ये मेरी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसमें ये दोनों काम नहीं होते, सबसे पहली बात ऑटो कॉल रिकॉर्ड होती है, दूसरी बात अनाउंसमेंट है वो नहीं होता इसमें। आपको सर्च करना है कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग सर्च करोगे, रिकॉर्ड कॉल पर क्लिक करना है, शो नोटिफिकेशन को ऑन करना है, अगर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड करनी है तो इसे ऑन कर देना है, रिकॉर्डिंग कॉल को देखना है यहाँ से आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग कॉल को डिलीट करना है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, सारे फीचर मिल जाते हैं यहाँ से आप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थे कुछ फीचर जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।